विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत का जन्मदिन है। महंत की राजनीतिक छवि बेहद सरल, सहज और जमीनी रही है। आइए एक नजर उनके राजनीतिक सफर और व्यक्तित्व पर डालते हैं। उनके प्रशंसक उनके बारे में क्या सोचते हैं, ये भी सुनते हैं। सीढ़ियां हैं उनके लिए, सीढ़ियां हैं उनके लिए जिन्हें सिर्फ छत पे जाना है, जिनकी नजर है आसमां पे, उन्हें रास्ता खुद बनाना है। राजनीति में ऐसे नेता बहुत विशेष व्यक्तित्व वाले होते जा रहे हैं, जो किसी दूसरे का सहारा लेकर नहीं चलते और अपना रास्ता खुद बनाते हैं, क्योंकि इनकी नजर तो आसमां पर होती है। ऐसे विरले नेताओं को विपक्षी सदस्य भी सम्मान देते हैं। छत्तीसगढ़ के लिए यह सौभाग्य का विषय है कि यहां ऐसे नेताओं की कमी नहीं है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और छत्तीसगढ़ विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत भी ऐसे ही बिरले नेताओं में से एक हैं, जिन्होंने अपना मुकाम खुद बनाया है। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि इतने बड़े मुकाम तक पहुंचने के बावजूद उनकी पारिवारिक जिंदगी आज भी वैसी ही है जैसे राजनीति से पहले हुआ करती थी। वे घर और दफ्तर के बीच सुबह से लेकर देर रात तक एक एक मिनट का सदुपयोग करते हैं। अपनी बेहद व्यस्त दिनचर्या में घर को समय देने के लिए वे कोई न कोई रास्ता निकाल ही लेते हैं, चाहे नाती पोते को गोद में लाड़ दुलार करने की बात हो या बेटी बेटी और दामाद के साथ बैठकर गपशप करनी हो, या फिर अपनी निजी लाइब्रेरी में सहेज कर रखी गई पसंदीदा किताबों को पढ़ना हो। सभी के लिए डॉक्टर महंत समय चुराना बखूबी जानते हैं। घाग और भद्दरी की कविता है, कहा तो घाग जी ने और ये भद्दरी साहब ने, जो हमारे खेत, हमारे बीज है, हमारे खेती करने के तरीके हैं, हमारी सब्जी है, हमारे भाजी है, पानी गिरता है वो है, सब बारे में कहावतें कही थी। एक बहुत सामान्य सी कहावत है कि शुक्रवार की बादरी रहे शनिचर छाए, तो भाखे भद्दरी बिन वर्षे नहीं जाए। तो आप देख सकते हो, अगर शुक्रवार को बादल आ गया है और शनिवार तक रह गया हो, तो इतना जानिए कि उस दिन खूब पानी गिरेगा। तो ये बातें जो हमारे बुजुर्गों ने सोची, मैं जब केंद्र में मंत्री था तब मैंने कहा था कि भाई जो इस पर तो करो रिसर्च, कि जो हमारे भद्दरी कह गए, हमारे पुराने बुजुर्ग कह गए, उन पर रिसर्च करो कि आखिर ऐसी कौन सी बात है। तो मैं इस तरह से पुरानी बातों को भी ध्यान में रखता हूँ, पढ़ने की कोशिश करता हूँ, जानने की कोशिश करता हूँ, ये मेरी हॉबी है। चाहे रात कितनी भी देर से सोने का समय आए, सुबह उठकर तैयार होते ही डॉक्टर महंत से मिलने वालों का सिलसिला शुरू हो जाता है। वैसे वे अपने सक्ती विधानसभा क्षेत्र या कोरबा लोकसभा क्षेत्र के लोगों को हर छोटे बड़े काम के लिए रायपुर आने से बार बार मना करते हैं, लेकिन डॉक्टर महंत का अपने क्षेत्र के लोगों से स्नेह और लगाव ऐसा है कि लोग उनसे मिलने रायपुर चले आ जाते हैं। डॉक्टर महंत को ये कतई अच्छा नहीं लगता कि सुदूर गांव देहात से लोग अपना काम लेकर उनसे मिलने रायपुर आए। वे फोन पर भी लोगों से बात करके उनके काम कर दिया करते हैं, लेकिन लोग इसके बाद भी रूबरू मिलने के लिए आ ही जाते हैं। गरीबों के साथ हमारा लगाव जो है बचपन से ही है, क्योंकि हम लोग उसी परिवार में रह के पढ़े हैं, गांव में रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इनको आना नहीं चाहिए। अगर वहीं से फ़ोन कर देते हैं तो मैं उनका काम कर देता। पहले तो मैं उन पर नाराज़गी व्यक्त करता हूँ कि तुम इतने दूर से क्यों आए, जब तुम्हारा फ़ोन से काम हो जाता है, मैं फ़ोन सुनता हूँ, करता हूँ, तो नहीं आना चाहिए। फिर भी आ जाते हैं, उनको चाय पिला के पहले उनका शांत कर देता हूँ, फिर मैं उनसे बात करता हूँ। तो कोशिश करता हूँ कि यदि वो अभी कोई चिट्ठी लिखने से काम हो जाएगा तो मैं उसी समय उसको चिट्ठी लिख के हाथ में दे देता हूँ। सुबह से रात तक मिलने जुलने के इसी दौर में वे अपने मित्रों से भी मिल लिया करते हैं और घर पर रहते हुए दफ्तर के जरूरी काम भी निपटा लिया करते हैं।
क्योंकि समय का सदुपयोग करने वाले हर जागरूक इंसान के अनुभव का सिर्फ और सिर्फ यही निचोड़ होता है, काम बहुत है और समय कम है। हैरानी की बात यह है कि समय की इतनी ज्यादा कमी के बावजूद डॉक्टर महंत अपनी रुचियों के लिए भी कुछ पल निकाल ही लेते हैं। अपने पिता स्वर्गीय बिसाहू दास महंत की बातों को याद करते हुए डॉक्टर महंत बताते हैं कि उनके पिताजी ने कहा था, पढ़ाई लिखाई से लेकर नौकरी तक सब कुछ अपने दम पर ही करना, वो किसी तरह की सिफारिश नहीं करेंगे। और यही वजह है कि जब एक बार डॉक्टर महंत विधायक का चुनाव हार गए थे तो अगले 5 सालों का सदुपयोग करते हुए उन्होंने PhD भी कर ली। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री से लेकर अविभाजित मध्य प्रदेश में गृह और जनसंपर्क मंत्री सहित छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जैसी बड़ी जिम्मेदारियों को निभाने वाले डॉक्टर महंत निजी जीवन में बेहद सादगी से रहते हैं। उनकी पत्नी श्रीमती ज्योत्सना महंत बताती हैं कि उन्हें बिना तेल वाला कोई भी हल्का नाश्ता पसंद है और खाने में दाल भात के साथ आलू की सब्जी और पाताल यानी कि टमाटर की चटनी सबसे ज्यादा पसंद है। उनका खाना एकदम सादा रहता है, वो पाताल की चटनी में ही खा लेते हैं, डुबकी पसंद आती है, छत्तीसगढ़ के जितने ट्रेडिशनल खाने हैं वो खाते हैं, वो भाजियाँ उन्हें पसंद हैं, चाहे पालक की हो या चुनचुनिया भाजी जो होती है, सभी चीज़ें खाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि ना खाएं, बस दाल भात पाताल की चटनी मिल जाए उसी में वो संतुष्ट रहते हैं। उनको खाने का ऐसा ज़्यादा शौक नहीं है, बड़ी खाते हैं, मुंडा खाते हैं, छोटी छोटी चीज़ होता है। हम लोग अलग अलग समय में बच्चों से मिल पाते हैं और वो अभी अपना कर्तव्य पूरा करते हैं जब रहते हैं यहाँ पर, और मैं भी करती हूँ। हम लोग एक दूसरे को भले टाइम ना दे पाए लेकिन परिवार को हम लोग पूरा टाइम देते हैं। राजनीति में अपने परिवार को पूरा समय नहीं दे पाने का दुख पर ये हर राजनेता को रहता है, डॉक्टर महंत भी इससे अछूते नहीं है। लेकिन राजनीति की तमाम मसरूफियात के बीच सुबह के नाश्ते और रात के भोजन में वो अपने परिवार के साथ रहना चाहते हैं। डॉक्टर महंत को इस बात का संतोष भी है कि पत्नी भले ही कोरबा से लोकसभा की सांसद बन गई हैं, लेकिन अभी भी घर में वो एक पत्नी और माँ की तरह अपनी तमाम जिम्मेदारियों को निभाती हैं, चाहे वो झाड़ू लगाना हो या कपड़े धोने जैसे काम क्यों ना हो। लोग समझते होंगे सांसद है, ना मैंने कभी उसको सांसद समझा ना उसने कभी सांसद समझा। आपको जान के ताजुब होगा कि वो मेरे कमरे की झाड़ू खुद लगाती है। वो परिवार के बाहर सांसद हो सकती है, परिवार के अंदर नहीं। यही संस्कार हमने अपने बच्चों को भी दिया है कि परिवार में सब घर परिवार एक है, कोई ना मंत्री है ना कोई सांसद है ना कोई विधायक है, और हम घर में बड़े प्रेम से रहते हैं। विज्ञान और कला विषय में पढ़ाई करने के साथ ही डॉक्टर महंत ने PhD की भी डिग्री हासिल की है, जो इस बात को दर्शाता है कि वो यदि राजनीति में सक्रिय नहीं होते तो एक विद्वान शिक्षाविद और अधिकारी की हैसियत से भी अपनी प्रतिभा को साबित कर सकते थे। राजनीति के शोर शराबे और लंबी बहसों के बीच भी चित्रकला, संगीत और किताबें पढ़ने जैसी रुचियों के कारण डॉक्टर महंत भीड़ से अलग व्यक्तित्व बनाने में कामयाब रहे हैं। और इन सबसे भी बड़ी बात ये कि इतनी कामयाबियों को हासिल कर लेने के बावजूद डॉक्टर महंत पूरी तरह से घरेलू और पारिवारिक माहौल में रहने वाले आम इंसान बने हुए हैं। चलना पड़ता है अंगारों पर इतिहास रचने को, चलना पड़ता है अंगारों पर इतिहास रचने को, बिना कोशिश एक जर्रा भी हिल नहीं सकता। संघर्ष ही दिलाता है इंसान को मुकाम उसका, संघर्ष ही दिलाता है इंसान को मुकाम उसका, बिना मेहनत के कोई फल मिल नहीं सकता। माननीय चरणदास महंत जी, विधानसभा अध्यक्ष छत्तीसगढ़, जो कि मैं उनके छोटे भाई के रूप में मेरी एक पहचान बनी हुई है और उनको मैं अपना बड़ा भाई बोल सकूँ ये मेरा सौभाग्य, उनको जन्मदिन की बहुत हार्दिक बधाई शुभकामनाएं तो मैं दूंगा ही, और इस पूरे क्षेत्रवासी जिलेवासी शक्ति विधानसभा चांपा विधानसभा प्रदेश वासियों की तरफ से ईश्वर से हम सब प्रार्थना करेंगे
कि वो हमें सदैव एक अच्छा मार्ग प्रशस्त करते रहें, दिखाते रहें और उनका आशीर्वाद हम सब पे ऐसा ही बना रहे। छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र स्वर्गीय बिसाहूदास जी महंत के ज्येष्ठ पुत्र डॉक्टर चरणदास जी महंत का आज जन्म दिवस है। इस अवसर पर मैं उन्हें हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और ईश्वर से उनके स्वस्थ दीर्घायु जीवन की कामना करता हूं। माननीय महंत जी का आज अवतरण दिवस है और उनका जो जीवन है, मैं समझता हूं कि उनके जीवन से क्षेत्रवासियों को, पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को एक सीख लेना चाहिए। वो इतने सहज और सरल व्यक्तित्व के धनी हैं कि कभी भी उनके साथ में पच विपच की बात नहीं रही। जितने उनके पच के चहेते हैं उतने उनके विपच के चहेते हैं। ऐसे व्यक्तित्व के धनी को मेरा प्रणाम है, जन्म दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सब डॉक्टर जनकदास सिंह महंत की प्रेरणा से यहाँ पर जन सेवा के कार्य में जुटे हुए हैं। उन सब के मार्गदर्शन हमें मिलता रहता है, उनका सानिध्य हम सबको प्रबलित करता है और आगे जन सेवा के लिए प्रेरित करता है। ऐसे प्रेरणादायक व्यक्तित्व को जन्मदिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गढ़ के माटी पुत्र हमारे मार्गदर्शक डॉक्टर चरणदास महंत जी विधानसभा अध्यक्ष जिनका जन्म दिवस है, आज उनके जन्म दिवस पर हम उन्हें बहुत बहुत बधाई प्रेषित करते हैं। प्रिय हम जुझारू नेता आदरणीय डॉक्टर चरणदास महंत जी को जन्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगलमय बधाई। माननीय आदरणीय हमारे भाई महंत जी का आज जन्म दिवस है, उनको बहुत बहुत बधाई, हार्दिक बधाई एवं ईश्वर से हम लोग उनके दीर्घायु मनोकामना करते हैं, हमारा पूरा परिवार मनोकामना करते हैं। आज हम सब के नेता और युवाओं के प्रेरणा स्रोत डॉक्टर चरणदास महंत जी का जन्मदिवस है। इस मौके पर मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और महंत जी हमेशा युवाओं को प्रेरणा देते हैं और विधानसभा में भी बहुत ही अच्छे से अपना कार्य कर रहे हैं और इस मौके पर हम सब उनको बधाई देना चाहते हैं। माननीय चरणदास जी महंत छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष, इनका आज जन्मदिवस है, उसको आज हम पूरे राजगीरवासी अच्छे उत्सव के रूप में मना रहे हैं। इसी पावन अवसर पर वार्ड क्रमांक 15 में दो स्थान पर सीसी रोड निर्माण का उद्घाटन किया जाएगा, लोकार्पण किया जाएगा। डॉक्टर चरणदास जी महंत अध्यक्ष छत्तीसगढ़ विधानसभा को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामना।